अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए आप लोग, क्या हाल है? तो अभी जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। आज जो है संडे है, तो घर पे वैसे ही काम हो नहीं रहा था, तो मैंने अपना जो है ना झूला पकड़ा और मैं इधर आ गया इस पार्क में। और आजकल जो है ये वाली बुक चल रही है आजकल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अभी कुछ दिन पहले ख़रीदी। ठीक है, तो जो उम्मीद थी कि जो नाम से मुझे मतलब मैंने नाम की वजह से ख़रीदी, लेकिन बुक में खास वो मज़ा नहीं है, पर खैर अब पैसे तो भरे हैं तो वैसे ही तकरीबन 75% तो हो गई है, तो पूरी करने लगा हूँ। तो आज जो है हम बात करेंगे परमानेंट रेजिडेंस के बारे में, कि जापान में जो है आप किस तरह जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मतलब आपने सुना होगा कि भाई यूरोप में होती है और कनाडा में, यूएसए में परमानेंट रेजिडेंस, ऑस्ट्रेलिया में ले सकते, जापान में नहीं है। जो जापान में रहते हैं उनको पता होगा, जो बाहर रहते हैं उनको लगता है कि जिस तरह चाइना में नहीं होता ऑप्शन परमानेंट रेजिडेंस का, पर यहाँ पे जापान में इस तरह नहीं है, जापान में आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो। तो अभी जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आज यहाँ से गया था जो है ना एक बार नगोया इंटरनेशनल सेंटर। तो अगर आप किसी भी बड़े सिटी में जापान में रहते हो तो आप वहाँ पे उनसे किसी भी किस्म की, वो आपको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। तो अगर आप ओसाका में हैं तो वहाँ पे मे भी होगा, आई एम श्योर के होगा, ओसाका इंटरनेशनल सेंटर होगा, और टोक्यो में भी होगा, टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर। तो वहाँ से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो फ्री में करते हैं, कोई आपसे चार्ज वगैरह नहीं करते। तो मैं कुछ दिन पहले जब कोरोना नहीं था तब मैं गया था, तो उन्होंने मुझे वो सारा मेरी जापानीज़ इतनी अच्छी है नहीं, जो मेरी टूटी फूटी जापानीज़ थी और उस लेडी की जो है टूटी फूटी जो इंग्लिश थी, तो उसने मुझे समझाया कि ये कि मतलब इसमें क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट फर्दर, जिस पाकिस्तानी भाई को अगर है एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड और कोई ऐसी चीज़ है जो मैं इसमें मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, कि आप कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ जो है ये इस तरह है, तो आई विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, तो चले हम आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें यही है कि जिसके पास एजुकेशन है स्पेशली मास्टर या पीएचडी वाले, तो उनके लिए बहुत आसान है जापान की परमानेंट रेजिडेंस लेना। उनके लिए जो है उनकी मतलब रिक्वायरमेंट इस टाइप की हैं कि मास्टर और पीएचडी वाले वो आराम से अब रिक्वायरमेंट पूरी कर जाते हैं। चलें तो आपको मैं दिखाता हूँ वो जो है ना कंडीशंस, उन्होंने मुझे लिस्ट जो दी है वो ये है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो है ये बैचलर है, तो बैचलर्स के हैं 10 पॉइंट। उसके अलावा ये जो है मास्टर है, मास्टर वालों के हैं 20 पॉइंट। ठीक है, और ये जो है पीएचडी है, पीएचडी वालों के हैं 30 पॉइंट्स। अब आते हैं नीचे, एक एजुकेशन के पॉइंट हैं, ठीक है वो आपको समझ में आ गए, और नीचे है ड्यूरेशन के पॉइंट कि आप कितने सालों से, कितने अरसे से आप जापान में हो। ठीक है, ये हैं ड्यूरेशन के पॉइंट्स। तो अगर आप 3 साल से हो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, आपको 5 साल हो गए हैं जापान में तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर 10 साल हो गए हैं तो फिर आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो अब खैर अब मुझे इतना ड्यूरेशन हुआ नहीं है, तो इसमें जो है इसके चलो नहीं भी मिलते तो पीएचडी वाले फिर भी जो है ना आराम से, क्योंकि इसमें यह है कि 100 मिनट से आपको 70 मार्क्स उठाने हैं। अब नीचे जो है ये है इनकम के पॉइंट्स कि आपकी सैलरी कितनी है, तो ये इधर जो है ये एक सैलरी की लिस्ट गिवन है। तो अब जो मास्टर या पीएचडी वाले होते हैं वो तकरीबन यहाँ पे ना ये 40 पॉइंट्स, इतनी सैलरी तो आराम से उनको मिल जाती है, तो वो ये वाले जो है यहाँ से 40 ये वो उठा लेंगे। ठीक है, तो 40 समझो ये हो गए और 30 इधर से हो गए, तो आपके जो है आराम से आपके पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अभी आगे भी है, अब ये जो है एज के भी पॉइंट हैं कि आपकी जितनी एज जो है आपकी कम होगी आपके पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर आप 29 तक हो तो आपके 15 पॉइंट हैं। ठीक है, अगर आपकी एज 29 से 34 के बीच में है तो आपके 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब जो है हम आपको और जो कुछ कंडीशन जो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स किस तरह ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये जो है पहला ये है, अगर एक अदद आपका पेटेंट है, एक पेटेंट जो है उनके लिए इजी होता है जो पीएचडी करते हैं और किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में काम करते हैं, तो वो जो है एक पेटेंट जो है इजी मतलब आप अपना एक छाप सकते हो पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है आप गूगल कर लो, आपको होपफुली पता होगा अगर आप मास्टर पीएचडी कर रहे हो, नहीं है तो आप जो हो पेटेंट वहाँ पे, तो पेटेंट के हैं एक पेटेंट के 15 पॉइंट हैं। ठीक है, जो यहाँ जो चीज़ है जो एक्स्ट्रा पॉइंट में दूसरी जो चीज़ है ये है आपके, अगर यहाँ आने से पहले आपके 3 जो है जापान से पहले, और जिस तरह अगर मैं जापान से पहले था मैं चाइना में,
ठीक है, तो मेरे पास चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, और इस तरह मेरे जो तीन कोई अचीवमेंट हों, जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान में था तो मुझे बैचलर्स के दौरान एक फ़ंड मिला था तो मैं उसका एक सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ, और इस तरह कोई और भी कोई तीन सर्टिफिकेट कर लेता हूँ तो तीन प्रूफ दिखाता हूँ कि मुझे कोई अचीवमेंट्स मिली है, तो उसके मुझे मिलेंगे ये वाला, हमारा ये वाला सेक्शन है, उसके मुझे मिलेंगे 15 पॉइंट्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका पब्लिकेशंस के पॉइंट हैं, ये वाला सेक्शन है, इसमें ये कहता है कि तीन पब्लिकेशंस, तो आपके जर्नल में और पीएचडी वालों के लिए, तो यहाँ पे जापान में पीएचडी कंप्लीट करने के लिए मोस्टली जो है तीन पब्लिकेशंस आपने करनी होती हैं, तो आपको जो है अगर तीन आपके पब्लिश्ड पेपर हैं किसी अच्छे जर्नल में, एससीआई जर्नल में, तो ये हो गए आपके 15 पॉइंट, ये हो गए, तो आप जो है ईजीली पीएचडी वाले जो है आप तकरीबन जो है 80 क्रॉस कर जाते हो इस पॉइंट सिस्टम में, ठीक है। मतलब अगर आप ये कंप्लीट, अगर ये वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं भी होता आपका ड्यूरेशन वाला, तो आप फिर भी जो है इजीली आप 80-85 तक चले जाते हो। तो ये हैं जी कंडीशंस जो है रिक्वायरमेंट्स। अब फर्दर ये जो है मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आया, फर्दर कोई भाई है जिन्होंने ली हुई है परमानेंट रेजिडेंस, तो कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, और दूसरा ये था भी जापानीज़ में, तो किसी को जापानीज़ अच्छे से पढ़ने आती है तो मैंने इजीली आपको वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो उसको, तो आप कमेंट में बताइएगा फर्दर यही रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स, होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, थोड़ा बहुत काम की होगी, ठीक है। फर्दर जब मैंने उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक और एजेंसी का भी जो है, ये वाली एजेंसी का IPAA, ठीक है, इमिग्रेशन प्रोसीजर्स असिस्टेंस एसोसिएशन, इनका जो है ये भी फ्री में कंसल्टेंसी देते हैं, तो इनका जो है उन्होंने मुझे बताया नगोया जो है इंटरनेशनल सेंटर वालों ने, तो उन्होंने कहा कि आप इनके पास चले जाएं फर्दर कोई अगर आपको डिटेल चाहिए। तो ये आज की थी परमानेंट रेजिडेंस के बारे में वीडियो, ठीक है। तो जापान में ये है कि नेशनलिटी भी ली जा सकती है, खैर आसान तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं, मैं थोड़ा अपना झूला एंजॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ इसको ख़त्म करूँ मैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।